मित्रों नमस्कार, मैं अखिलेंद्र कुमार, पूर्व डिप्टी कमिश्नर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। जैसा कि आप सभी मित्रों को मालूम है, 30 अगस्त 2020 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक प्रकृति वंदन कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है। आइए हम सब मिलकर सफल बनाने में योगदान दें। यदि वृक्षों की रक्षा जो हमारी पोषक है, जो हमारी जननी है, जिससे हमारा प्रादुर्भाव है, हम लोग अगर उसकी रक्षा करेंगे तो हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे। वृक्ष सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। प्रकृति में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। हमारा जीवन हर समय कहीं ना कहीं रिश्तों से, संबंधों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे आध्यात्म और धर्म में चाहे श्री राम जी हों, चाहे श्री कृष्ण जी हों, सभी का अगर मन लगता था तो प्रकृति के साथ। हम दूब घास से लेके और बड़े बड़े वृक्षों, बड़े बड़े पेड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे उन आराध्य देव को वो वृक्ष और वो उनके पत्र फूल सब बहुत पसंद हैं। श्री गणेश जी को दूब चढ़ाई जाती है, गुड़हल के लाल फूल बहुत पसंद है। इसी प्रकार से शनि देव जी को शमी के पत्र और फूल बहुत पसंद है। शंकर जी को आप बेल पत्र चढ़ाते हैं, हम मदार के फूल चढ़ाते हैं, मदार के पत्र चढ़ाते हैं। शालिग्राम जी को तुलसी जी चढ़ाई जाती है, विष्णु जी को तुलसी चढ़ाई जाती है। आम के पल्लों के बिना कोई भी धर्म कर्म का कार्य शुभारंभ नहीं होता। जब तक आप नारियल फोड़ नहीं देते हैं तब तक आपका जो है कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आंवले की पूजा की जाती है। ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो पीपल से लेते हैं और उस पर भी ईश्वर वास करते हैं, नीम पर भी वास करते हैं, वट वृक्ष पर भी वास करते हैं। तुलसी जी तो हमारी माता ही हैं, उन माता जी की हम तुलसी जयंती भी मनाते हैं। तो अब तुलसी माता की अगर आप पूजा करेंगे और उनके गुणकारी औषधियों का प्रयोग निरंतर इस कोरोना काल में प्रत्येक घर में हुआ है। कोरोना काल में तो हम काढ़ा बना के पी रहे हैं और उस काढ़े में आप देख रहे हैं कौन कौन सी जो है पत्तों की और गिलोय की और कौन कौन सी जो है गुणकारी औषधियाँ उसमें डालकर काढ़ा बनाया जाता है। तो हम आंवला जो हमारे लिए संजीवनी है, जो हमारे खून को, जो ब्लड को पूरा साफ करता है, एक तरीके से इन्फेक्शन विहीन कर देता है। नीम के पत्ते हम रोज खाते हैं, सुबह नीम की दातून हम रोज करते हैं, उससे हमारा पूरे शरीर का सेप्टिक और इन्फेक्शन दूर होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप सूक्ष्म भाव से देखेंगे तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आज नई बात कह रहे हैं, परंतु प्रकृति वंदन हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारे संस्कारों में रहा है, हमारे वेदों में रहा है। हमारे ऋषि मुनि तो कोई भी हवन, कोई भी यज्ञ बिना किसी इन संविधा के होता ही नहीं था। आज भी हम जो है नवग्रह संविधा का प्रयोग करते हैं। और नवग्रह संविधा आएंगी कहाँ से अगर आप इन वृक्षों की रक्षा नहीं करेंगे? तो हमारे जीव जंतु भी इन वृक्षों से ही फल फूल रहे हैं और इस पूरे जो संसार की प्रकृति है उस पे अगर संचालन के लिए एक साइकिल है और उस साइकिल में मानव जीवन को भी रहना है, जीव जंतु को भी रहना है, वे भी हमारे अंग हैं, हमारे जीवन के अंग हैं। इसलिए मैं पुनः आह्वान करता हूँ कि आप लोग प्रकृति वंदन कार्यक्रम का अभिनंदन करें, वंदन करें और इसका जोर शोर से सौ उल्लास अपने घर में, परिवार में मनाएं, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाइए घर में। जय हिंद, जय भारत।